हेलो क्रिएटर्स, तो मेरे लिए क्रिएटर हर वो बच्चा है जिसके अंदर कुछ क्रिएटिव स्किल्स हैं। जरूरी नहीं कि आप यूट्यूबर हो या फिर कोई वीडियोस बना रहे हो तो आप क्रिएटर हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हो तो आप क्रिएटर हो। जिसके अंदर भी थोड़ी सी क्रिएटिव स्किल्स है वो एक क्रिएटर है मेरे लिए। तो बहुत सारे बच्चों के यार 10th 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए और घर पे बैठे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे यार अब करें क्या। 10th के एग्जाम खत्म हो गए, कहीं होंगे 12th के एग्जाम खत्म हो गए और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। आपको ना घर वाले थोड़ा फटकार भी रहे होंगे कि यार नालायक बच्चा है, कुछ करता नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, क्या करेगा आगे लाइफ में, कुछ सोचा है या नहीं सोचा। और बेचारा जो बच्चा है 10th 12th के बाद वो बड़ा कंफ्यूज्ड है। और आपकी कॉलोनी में फिर कोई ऐसे भैया भी होंगे जो फुल तैयार व्यार होकर अपना ऑफिस जाते होंगे, आगे अपना गाड़ी लगाते होंगे सूटेड बूटेड। उनकी फैमिली में बड़ी इज्जत होती है यार। फैमिली में जैसे वो आते हैं तो माँ बाप आपके पूछते होंगे कि मेरे बच्चे को कुछ बताओ कि आगे क्या करेगा अपनी जिंदगी में, इसको कुछ नॉलेज वॉलेज दो। तो आप देखो वो भैया तो आपको यार जॉब टाइप की नॉलेज दे सकते हैं, बट मैं आपको कुछ क्रिएटर बनने की नॉलेज दूंगा। तो मेरे को एज आप ना वो क्रिएटर भैया आप समझ सकते हो, जो आपको क्रिएटिविटी की नॉलेज देगा, जो आपको स्किल सेट इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और जब आप अपने अंदर एक स्किल सेट डेवलप कर लेते हो तो वो आपको लिविंग दे सकता है फॉर अ लाइफ टाइम। जॉब करोगे शायद, कंपनी कितने टाइम तक वर्क करेगी नहीं करेगी, अच्छा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आज मैं आपको ऐसी स्किल सेट बताने जा रहा हूं जिससे आप इस 2022 में भले ही आप क्रिएटर ना बनो बट आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स अच्छी है, आप क्रिएटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और इन स्किल सेट से आप बहुत अच्छा पैसा भी अर्न कर सकते हो। मतलब मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ 10th में है या 12th भी अभी पास नहीं हुए और वो इजीली 1500 to 2000 रुपीस पर डे कमा रहे जस्ट बाय हैविंग दी स्किल सेट्स। तो चलो इन स्किल सेट को डिस्कस करना शुरू करते हैं वन बाय वन। और मैं वही स्किल सेट बताऊंगा यार जिससे मैं अर्न करता हूं, या मैंने किसी और क्रिएटर किया, कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प की है कि स्किल सेट सीख लो और आप इससे पैसे अर्न कर सकते हो। मैं आपको वही स्किल सेट बताऊंगा और इनको अगर अच्छे से सीख जाओगे तो आपकी लाइफ की जर्नी ईजी हो जाएगी। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो आप पूरा दिन भाई स्क्रॉल करते रहते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये सोशल मीडिया चाहे आप चाहो ना चाहो लेकिन आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। ऐसा नहीं होता हो कि आप दिन में 10 से 12 बार 15 बार 20 बार कुछ लोग तो 24 घंटे फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, और आप भी लोग चला ही रहे होगे यार। अभी आप स्टूडेंट हो, 10th 12th के एग्जाम खत्म हुए तो आपको भी सारा दिन सोशल मीडिया पे कुछ भी सर्च कर रहे होगे, कुछ भी देख रहे होगे। कुछ लोग तो देख रहे होंगे यार कुछ सेटिंग वेटिंग ही हो जाए, बस कोई सोच रहा हो कुछ काम वाम मिल जाए, शायद ये वीडियो भी आपको वही स्क्रॉल करते हुए किसी सोशल मीडिया पे ही दिख गई होगी। तो मतलब आप अपनी लाइफ से सोशल मीडिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप यही स्किल सेट सीख लो। सोशल मीडिया पे क्या होता है, लोग कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट को मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट भी मार्केट करते हैं, कंटेंट भी मार्केट करते हैं। अब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आप ये चीजें सीख जाओ कि फेसबुक पे एड्स कैसे रन करते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे रन करते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करते हैं, ये सारी स्किल सेट है। हो सकता है कोई क्रिएटर बहुत अच्छा हो लेकिन उसको ट्रैक्शन ला के देना, मतलब सोशल मीडिया पे उसका कंटेंट मार्केट करना, अगर आप ये एक स्किल सेट सीख जाते हो, मतलब आपके साथ प्रॉब्लम है कि यार क्रिएटर बनने के लिए मुझे कैमरा के सामने बोलना पड़ेगा, माइक लाना पड़ेगा और यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए समझ में नहीं आता, सोच नहीं पा रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती है माइंड में, मैं जानता हूं यार आपकी, मैं जानता हूं हर बच्चे का मैं दिल समझता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये स्किल सेट सीख सकते हो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना। अगर आप इसमें कोई छोटा मोटा कोर्स भी कर लोगे, नहीं तो यूट्यूब पे लाखों वीडियोस है, उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप नए नए हिट एंड ट्रायल मैकेनिज्म लगा सकते हो और ये स्किल सेट सीख सकते हो। और आप सोच भी नहीं सकते यही स्किल सेट आपको 50 to 60,000 रुपीस पर मंथ की जॉब दिलवा सकता है इजीली। भले ही आपने 10th क्लियर किया हो, 12th क्लियर किया हो, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप इसी स्किल सेट से एक अच्छा जॉब फाइंड आउट कर सकते हो या फिर किसी क्रिएटर की हेल्प भी कर सकते हो। तो मजा आया पहला स्किल सेट सुन के। अब जो भी लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर आपसे ये चीज सीखने में मजा आ गया और मैं तो यही चीज करना स्टार्ट करूंगा और इसको ढंग से सीख लूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो 2022 में आपको मास्टर करनी पड़ेगी वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। मतलब आजकल के टाइम में कोई भी बिजनेस है भाई उसको वेबसाइट की जरूरत है ही। और आप सोच लो इंडिया में अभी इतने सारे बिजनेसेस हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस जीरो है, एट दी एंड उनको कभी ना कभी ऑनलाइन आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको कस्टमर ही वहीं से मिलेगा। तो वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसा स्किल सेट है और आजकल बहुत मुश्किल नहीं है वेबसाइट बनाना, आपको बस थोड़ा सा वर्डप्रेस आना चाहिए, आपको गोडैडी से डोमेन कैसे बाय करना है सारी चीजें आनी चाहिए, सारा कुछ रेडीमेड प्लगइन्स हर चीज मिलता है, रेडीमेड बनी बनाई वेबसाइट्स मिलती है, थीम्स मिलती है, बस आपको उसमें एडिटिंग करनी है और आप एक रेडीमेड वेबसाइट बना सकते हो। और बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं, आपके पापा कोई बिजनेस रन कर रहे होंगे या आपके अंकल कोई बिजनेस रन कर रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि यार मेरा बिजनेस ऑनलाइन हो जाए लेकिन उनको पता ही नहीं कि भाई वेबसाइट कहाँ से बनाऊँ, मार्केट कैसे करूँ अपना प्रोडक्ट को। आप उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि अंकल मैं आपकी वेबसाइट बना के दूंगा, इतनी बढ़िया वेबसाइट बना के दूंगा आपको मजा आ जाएगा। आप उनको एक वेबसाइट बना के दो, उसके लिए उनसे थोड़ा बहुत कुछ चार्ज करो पहले में, चाहे उनको फ्री बना के दो, और अगर आप उनको फ्री में अच्छी बना के दे दोगे जो भी चार्जेस लगेंगे डोमेन खरीदने के या फिर होस्टिंग खरीदने के वो आप उनसे चार्ज कर लो और कहो कि अंकल जो भी मैंने बनाया
वो मेरी सर्विस फ्री की है आपके लिए। और वही अंकल जो आपको शायद नालायक या बेकार आदमी या ये कह रहे होंगे कि भाई कुछ कर ले अपनी जिंदगी में आगे क्या करेगा, वही आपके इस स्किल सेट को मार्केट करेंगे आगे। शायद उनके मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सब चीजें चाह रहे होंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा, और वहां से आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट का। ये तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, नहीं सीख पाते तो कुछ छोटा मोटा कोर्स होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के, आप इजीली कर सकते हो। महीना दो महीना खाली तो बैठे हो यार घर में, सीख लो यार कोर्स। तो सेकंड स्किल सेट है वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो किसी को कोई आइडिया मिला हो इस सेकंड स्किल सेट से तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे को भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती रहती है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करे, तो कोई बढ़िया अच्छा सीख के अच्छा काम कर रहा होगा तो मुझे अपना काम पोस्ट कर सकता है कमेंट सेक्शन में, शायद मैं ही उसको कोई अच्छा काम दिला दूं। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल सेट, इसकी बहुत ज्यादा कमी है भाई इस टाइम पे, ग्राफिक डिजाइनर्स। मतलब अभी देखो आप सोशल मीडिया से घिरे रहते हो, आप फोन पे चीजें देखना ज्यादा प्रेफर करते हो रादर देन कि बाहर देखना। मतलब शायद कोई इंस्टीट्यूट आपकी अगली गली में होगा, आपको उसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ऑनलाइन आपको ऐड देख के आपके घर से 10 किलोमीटर दूर का इंस्टीट्यूट पता चल जाएगा कि वहां बढ़िया पढ़ाई होती है, क्योंकि वहां पे ग्राफिक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं ना फोन में। जो नॉर्मल पास का इंस्टीट्यूट है उसमें तो एक गंदा सा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन जो फोन पे दिख रहा है वो दिख रहा है कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है क्योंकि इसने बहुत अच्छे ग्राफिक्स यूज किए हुए। शायद इस वीडियो को भी आपने क्लिक किया होगा इसके ग्राफिक्स, इसका थंबनेल देख के, एंड वो भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, और बहुत लोग अपने बिजनेस को मार्केट करते हैं। जो ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी स्किल है जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं वो इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, पर इसके लिए ऐसे कोई आपको बहुत एजुकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए, फोटोशॉप चलाना आना चाहिए, इलस्ट्रेटर चलाना आना चाहिए, और कुछ और छोटे मोटे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप इजीली सीख सकते हो। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बट ये स्किल सेट आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिजाइनर है जो मैंने ही हायर किए और मैं उनको एक अच्छी सैलरी पे करता हूं। और आप लोग अगर ये स्किल सेट अपनी इंप्रूव कर लोगे तो आप भी किसी ना किसी क्रिएटर के लिए काम कर सकते हो, नहीं तो इस बिजनेस के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता भाई आपका, मैं जानता हूं यार 90-95% लोगों का पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता। मतलब 10th खत्म होगी, 11th के लिए समझ नहीं आ रहा कौन सी स्ट्रीम लूं, पढ़ाई करूं नहीं करूं। ये स्किल सेट तो सीख सकते हो, इसको सीखने में क्या होगा, चलो पढ़ाई वढ़ाई साथ में कर रहे हो लेकिन अपना साथ में एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। शायद कोई 10th में होगा, स्किल सेट को सीख जाता है 11th 12th कंप्लीट करके, वो इसी के अराउंड एक बिजनेस डेवलप कर सकता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल सेट कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स आनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट स्किल सेट, ये सारा क्रिएटर्स इकोनॉमी के अराउंड ही है और ये इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। मैं यहाँ पे आपको क्रिएटर्स इकोनॉमी के बारे में पूरी नॉलेज देता हूँ, यूट्यूब चैनल को बिजनेस कैसे बनाना है, क्रिएटर्स इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है, ये सारी चीजें मैं देता हूँ। और ये सारे जो स्किल सेट बता रहा हूँ ये भी क्रिएटर्स इकोनॉमी के अराउंड ही है, और किसी ना किसी क्रिएटर को ही आप हेल्प करोगे। और मैंने बहुत सारा कॉन्टेंट बनाया हुआ, उसको जाके देखो यार, यूट्यूब चैनल को बिजनेस कैसे बनाना है, ब्लॉकचेन क्या होता है, एनएफटी क्या होता है, आपको भी इन चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी। अभी तो वही बुक्स पढ़ रहे हो मैथ साइंस की, भाई वो बहुत पुराना जमाना हो गया। मैं आपको सही बता दूं कि जो किताबें मैंने पढ़ी होंगी 10 साल पहले आज वो भी आप ही पढ़ रहे हो जो 10th 11th 12th में हो, और उस कोर्स की मेरे हिसाब से कोई वैल्यू रही नहीं है। आप उनको सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ लो, खत्म कर लो, लेकिन आज का टाइम स्किल सेट का है। अगर आपने कोई अच्छी स्किल सेट सीख ली तो आप सारे लाइफ टाइम पैसा अर्न कर सकते हो। तो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट स्किल सेट है वो इसी के अराउंड है, दैट इज वीडियो एडिटिंग स्किल्स। मतलब इतना वीडियो कॉन्टेंट बन रहा है इस टाइम पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड इंडिया ही इतना बन रहा है कि विद इन सेकेंड्स मिलियंस ऑफ वीडियोज अपलोड होती है यूट्यूब पे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इतनी वीडियोज जब बन रहे हैं तो वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी, और वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। मतलब आजकल तो आप सोचो कि यार लोग शादी भी इतनी तगड़ी तरीके से कर रहे हैं, वहाँ पे भी वीडियोस बनानी होती है, लोगों को छोटा मोटा फंक्शन करना होता है वहाँ पे वीडियो बनाने लग जाते हैं। पहले आप सोचो यार कभी कौन बनाता था, जब आपके पापा मम्मी की शादी हुई थी वहाँ तो छोटी सी एक कैसेट में एक वीडियो बन जाती थी, बस हो गया काम। बट आज के टाइम पे देखो ना यार, लोग प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं, लोग अपनी शादी की बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, और लोग अपने बच्चे के बर्थडे की वीडियोस बनवा रहे हैं। तो वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग स्किल्स, क्योंकि लोगों को यार आजकल शो ऑफ करने की आदत बहुत है, चाहे कुछ मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो जिंदगी में, लेकिन बस लोगों को दिखाना जरूर है। अब दिखाना कैसे होगा, वो तो वीडियो की फॉर्म में ही दिखा पाएंगे ना। ये तो चलो एक बात होगी, बाकी यार लोग क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स लोग वीडियोज बना रहे हैं, वो वीडियो फॉर्म कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंड उस कॉन्टेंट को बनाने के बाद एडिटिंग स्किल्स की जरूरत होती है। तो अगर आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग स्किल्स सीख लो, मतलब मैं बेसिक सॉफ्टवेयर बताऊँ तो फिल्मोरा एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, मैं भी उसी में वीडियो एडिटिंग करता हूँ, एंड दूसरा सॉफ्टवेयर यार प्रीमियर प्रो है, उसमें भी लोग सीख के उसमें भी वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, इलस्ट्रेटर है लोग उसको सीख के, आफ्टर इफेक्ट्स है। मतलब ये बहुत वास्ट स्ट्रीम है, बहुत वाइड है, और वीडियो एडिटिंग में भी बहुत माइनर सी चीजें होती है जो आप सीख सकते हो। ये एक स्किल सेट है, और ये स्किल सेट अगर आपको आ गया तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक बार को शायद ऐसा हो सकता है कि आपको छोड़नी पड़ जाए या आपको शायद निकाल दे कोई, लेकिन ये स्किल सेट आपसे कोई नहीं छीन सकता। और ये स्किल सेट अगर अच्छे से सीख गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्किल सेट आपको कितना पैसा अर्न करके देगी। इस टाइम पे इसलिए बता रहा हूँ कि सारे जो यार आप 10th 12th के बच्चे हो, छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बैठे हुए हो, और आपको पता है जो छुट्टियों में होमवर्क मिलता है स्कूल का वो तो आप कितना ही करते हो, वो तो आप आखिरी 2-3 दिन में ही करते हो। तो जो महीने ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हो सोशल मीडिया स्क्रोल करने में और इधर उधर के काम करने में, तो बेटर ये है कि यार कोई स्किल
सेट ही सीख लो। तो जो इंपॉर्टेंट स्किल सेट ये वीडियो एडिटिंग का, आप ये स्किल सेट भी सीख सकते हो। एज अ बड़ा भाई आपको यार सजेशन दे रहा हूँ कि क्रिएटिव बनो, लाइफ में कुछ क्रिएटिव स्किल्स लेके आओ, और ये वीडियो एडिटिंग एक क्रिएटिव स्किल ही है। और सीख जाओगे ना तो कभी ना कभी यही कहोगे यार उन भैया ने मेरे को सजेशन दिया था और आज तो मैं लाइफ में बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ सिर्फ इसी एक स्किल सीखने की वजह से। ठीक है, फिर आगे इस वीडियो पे कमेंट करना जरूर कि हाँ जी ऐसा हुआ था, 10 साल बाद जब वीडियो देखोगे ना ये। चलो खैर छोड़ो, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन या नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग। अब स्टॉक मार्केट इस टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, पता नहीं कितने सारे ऐप्स आ गए हैं। और आप शायद बहुत सारे लोग होंगे जो अभी 10th 12th में, उनको ये बहुत इंटरेस्ट कर रही होंगी चीज़ें कि ट्रेडिंग कर लूँ, फटाफट पैसे कमा लूँ, और क्या कहते हैं ट्रेडिंग बड़ा अच्छा लगता होगा कि अच्छा ये कोई नया ऐप आया है इसको डाउनलोड करता हूँ, चलो अप डाउन का कोई ग्राफ पे कोई ट्रेड लगाता हूँ, एक दो बार पैसे बन गए होंगे, फिर पैसे चले गए होंगे, पापा के ATM से पैसे डाल दिए होंगे और अब परेशान हो रहे हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ, यहाँ तो ट्रेडिंग में पैसा चला भी जाता है। बहुतों के साथ हुआ होगा ना ऐसा, अगर हुआ है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे को पता है भाई मैं ये ट्रेन करता हूँ लोगों को और उनके साथ ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो अपनी कॉलेज की फीस तक उड़ा दी है इस ट्रेडिंग के चक्कर में। तो आप जो 10th 12th के बाद वाले स्टूडेंट हो, शायद आपने 1000 2000 5000 तो उड़ा ही दिए होंगे अपने घर वालों के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में नॉलेज लेना पहला आपका इंपॉर्टेंट काम है। आप फाइनेंशियल एजुकेशन लो, आप इन्वेस्टिंग सीखो, ट्रेडिंग छोड़ दो, इन्वेस्टिंग सीखो पहले। अगर आपको यार स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आता है तो पहले स्टॉक के बारे में समझो दो कि स्टॉक होता क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें क्या होती है, चार्ट को स्टडी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें समझो। पैसा कमाना इसका सेकेंडरी रोल है, वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि पैसा एक बाय प्रोडक्ट होता है जब आप इन्वेस्टिंग सीख जाते हो या ट्रेडिंग सीख जाते हो। ट्रेडिंग एक बहुत बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, लेकिन इन्वेस्टिंग सीखने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। आप 10th 12th में हो, थोड़ा बहुत पैसा अर्न करोगे, जो भी कुछ काम करोगे, स्किल सेट जो मैंने बताई उससे सीख जाओगे, उस पैसे का कुछ परसेंटेज अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज में, स्टॉक्स में, तो वो आपके डिजिटल एसेट्स बनेंगे। उनको एसेट की तरह इन्वेस्ट करना, ये नहीं कि आज स्टॉक खरीदा कल बेच दूंगा, आज एक कॉइन खरीद लिया क्रिप्टो कॉइन कल बेच दूंगा, ये सब चीजें नहीं करनी। आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है, अच्छे कॉइन्स के ऊपर रिसर्च करना है, किसका फ्यूचर क्या है, किस कॉइन का क्या फ्यूचर है, किस स्टॉक का क्या फ्यूचर है, कंपनी कौन सी कंपनी अच्छा काम कर सकती है। अपना कॉमन सेंस यूज करो, अपना दिमाग यूज करो और लॉन्ग टर्म के लिए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट स्किल सेट है वो है इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग सीखना है, तो अभी जो आप लोग खाली बैठे हो, तो अगर आप इन्वेस्टिंग सीख जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। और बहुत सारे अंकल और पेरेंट्स को भी आजकल इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में, तो अगर आप इस चीज को सीख जाते हो तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो कि आप इस चीज में इन्वेस्ट करो, इस चीज में इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज आप नॉलेज लेके कोई काम करोगे। तो मजा आया फिर ये पांचों स्किल सेट सुन के, लगा होगा कि यार हाँ ये तो मैं कुछ ना कुछ इसमें से कर ही सकता हूँ। मतलब मैं खाली बैठा हूँ, 10th 12th मेरी खत्म हो गई है और मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं और अभी मैं खाली बैठा हूँ छुट्टियों में, तो मैं इन 4-5 स्किल्स में से कुछ ना कुछ एक आधी स्किल सीख सकता हूँ। और मैंने अगर ये एक आधी स्किल सीख ली तो मैं आराम से 1500 से 2000 रुपए पर डे इजीली कमा सकता हूँ। और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अभी तक बच्चे ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये स्किल सेट सीखा है और वो अभी कर रहे हैं। और बहुत सारे आप में से होंगे जो आगे ये काम करेंगे, क्योंकि मुझे आप पे ट्रस्ट है, क्योंकि ये सारी स्किल सेट ऐसी है, ये इसमें नहीं कि आपको बुक्स पढ़नी है या कोई होमवर्क करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपके पास मोबाइल फोन है, बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम भी होगा जो देख रहे हैं मेरे को इसमें, तो मोबाइल फोन में भी ये सारी चीजें कर सकते हो, अपने लैपटॉप सिस्टम में भी ये सारी चीजें कर सकते हो, और ये कुछ नए स्किल सेट अभी सीख सकते हो। न्यू एज जॉब इसी में ही क्रिएट होने वाली है। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इन स्किल सेट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर ऑल कर देना, सो फ्यूचर में आपको जो भी मैं कंटेंट पोस्ट करूं क्रिएटर्स इकोनॉमी, Web3, मेटावर्स से रिलेटेड, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर मजा आ रहा है कंटेंट देख के तो और सारी वीडियोस भी देखो यार, क्रिएटर्स इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, YouTube चैनल को कैसे ग्रो करें, YouTube चैनल बनाएं कैसे, ये सारी चीजों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।